नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम एसएससी द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एलडीसी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों के संग्रह के साथ आप सभी का मैं टारगेट विद नीतीश पर स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन है, इसलिए सारे रक्षाबंधन मनाने वाले भाइयों और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं टारगेट विद नीतीश के टीम की ओर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, वर्तमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सुख दुख पर विजय पाने के कारण। क्वेश्चन नंबर दो है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर तीन का सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर चार है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जिस समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था यानी कि 1739 ईस्वी में, उस समय भारत पर जिस मुगल शासक का शासन था वह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी याद रखिएगा मोहम्मद शाह के बारे में। घसीटी बेगम, राज्यवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब गदर का मतलब है यहां क्रांति। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का प्रथम वायसराय होने का भी गौरव प्राप्त है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर नौ है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 4 फरवरी 1922 को। अगर क्वेश्चन नंबर नौ की और बात की जाए तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था इसके बाद महात्मा गांधी ने जो है 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड में हिंसक घटनाएं हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी जो है जला दिए गए थे उग्र भीड़ द्वारा। इसके कारण महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हमारा आंदोलन जो है पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब चरम पर था यानी कि जब यह घटना हुई उस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन नंबर नौ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चौरी चौरा नामक जगह कहां स्थित है तो ये गोरखपुर का एक छोटा सा जगह है चौरी चौरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज ने। आर्य समाज के बारे में आप बहुत अच्छा तरह से जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती और जो आप डीएवी कॉलेज देखते हैं वह भी आर्य समाज से संबंधित है, जहां मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है यानी कि कैलेंडर ये सब जो है इसके आधार पर पूजा नहीं की जाती है, मूर्ति पूजा के आधार पर भी पूजा नहीं की जाती है। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा 5 प्रकार की। अब प्रश्न उठता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किए जाते हैं इसको जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 द्वारा जो है भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 प्रकार की रिट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जिसमें शामिल है
बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियास कॉर्पस, परमादेश, मेंडमस, प्रतिषेध, प्रोविशन, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू ओरांटो के नाम से भी जाना जाता है। और जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों रिट जारी करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो जारी किए गए रिट हैं उनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वह रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। इसी प्रकार जो उच्च न्यायालय है वह केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी यह 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है, जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो यह बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपाय या उपचार भी सुझा सकता है। तो ये रहा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिटों में कुछ अंतर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या होगी वर्तमान में 11। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा 11। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ने की बात की थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें भारतीय संविधान में जो नया अनुच्छेद जुड़ा उसका नाम था 51 क, और इसमें भाग जोड़ा गया भाग 4 क। भाग 4 क के जो है अंतर्गत आर्टिकल 51 क को शामिल किया गया। जो 11वां मूल कर्तव्य था वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है अभिभावकों को दी गई। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व तो किसका है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति का। नियंत्रण एवं महालेखाकार है यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो पोस्ट है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत क्रिएट किया गया है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है ये CAG के बारे में ही बात करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो भारतीय संविधान का जो नीति निदेशक सिद्धांत है उसका जो आर्टिकल 40 है उसमें राज्य को जो है पंचायती राज व्यवस्था को गठित करने का प्रावधान किया गया था, मतलब निर्देश दिया गया था। और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 40 शामिल किया गया था। भारतीय संविधान जब आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई थी, लेकिन भारत की आजादी के बाद काफी लंबे समय तक जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका। लेकिन राजीव गांधी के समय जो है आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1992 में हुआ था उसके माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और जितने भी पंचायती राज के अंग थे उनको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल आधार मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल आधार मिल जाने से पंचायती राज व्यवस्था को अब जो है राजनीतिक पार्टियां अपने अनुसार जो है पंचायतों का गठन और विघटन नहीं कर सकती थी। एक निश्चित समय जो संवैधानिक रूप से जितना कहा जा रहा है उतना समय में ही जो है वह गठित उनको जो है वह भंग किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं? इसका सही उत्तर होगा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। जब आप भारत का मैप आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो है राज्य हैं। तो सबसे पहले मिजोरम आएगा, उसके बाद जो है मणिपुर आता है सेकंड नंबर पे, और इनकी सीमाएं जो है म्यांमार देश से लगी हुई है, उसके बाद नागालैंड आता है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश आता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग ज्वाहर सुरंग किस राज्य में है?
तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है? तो स्ट्रेट जो है जिसको जल संधि के नाम से आप सिंपल भाषा में जानते हैं, जैसे प्रश्न ये भी आता है कि भारतीय भूमि को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो इसका सही उत्तर होता है पाक स्ट्रेट। उसी प्रकार जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है यूरोप और अफ्रीका को जो है अलग करता है। स्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा संकरा जल स्तर जो दो भूखंडों के बीच से बहा होता है और बड़े दो सागरों को जोड़ता हो या बड़े दो जलाशयों को जोड़ता हो, तो उसको जो है हम स्ट्रेट कहते हैं। आप अगर भारत के संदर्भ में देखें तो पाक स्ट्रेट जो है वह जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वहां पे एक संकरा पानी का बहाव है, उसी को जो है हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। अगर पाक स्ट्रेट नहीं होता तो भारत और श्रीलंका के बीच जो एक पतली लाइन मिल रही है वह नहीं मिल पाती। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत अगर यहां है, पर्वत श्रृंखला, तो सतपुड़ा यहां है और इसी के बीच से जो है नर्मदा बहती है, और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो उत्तर से जो है आप पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इनके बारे में यह भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं, तो नर्मदा एवं ताप्ती, जबकि शेष नदियां आप जानते हैं कि पूरब की ओर जाके बह के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जबकि नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। जो भी बैंक नेशनलाइज हो चुके हैं, भारत सरकार उसको अपने अंडर में ले ली है, उसका नेशनलाइजेशन कर चुकी है, वही बैंक जो है विदेशी मुद्रा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए बाध्य हैं, केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहां द्वारा छूट गया है, द्वारा नोट कर लीजिएगा, तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट को भारत में नियंत्रित करता है सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों की बात की गई है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो है संघ सूची। तो राज्य सूची जो होता है उसके विषयों पर केवल जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकार को है, और जो संघ सूची होता है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार को, और जो समवर्ती सूची होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर दोनों किसी विषय पर एक ही साथ कानून बना देते हैं तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, यानी कि उस पर प्रभावी होगा। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। इसका अगर एग्जाम्पल हम बेस्ट एग्जाम्पल लें तो आप जानते हैं फिफ्थ ईयर जो प्लान होता है, पंचवर्षीय योजना, वह राज्य सरकार द्वारा भी बनाई जाती है और केंद्र सरकार द्वारा भी बनाई जाती है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। किस समिति ने कृषि जोतक पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजा चलाया समिति। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलाया को। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन के बारे में अगर बात करें तो विटामिन जो होता है इसकी खोज जो है सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। विटामिन को जो है दो आधारों पर बांटा जा सकता है, विलेयता के आधार पे। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें शामिल है विटामिन बी तथा सी, और एक विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, इसका जो इसमें शामिल है ए डी ई के, जो
ये चार विटामिन है ए डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, बी तथा सी। तो यहां प्रश्न था विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सी धातु विद्यमान होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन के बारे में अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम जो है लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए जान लेते हैं रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं कि कई प्रकार के विटामिन शामिल है, कई विटामिन शामिल है जिसमें शामिल है बी वन जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसी प्रकार अगर बी टू की बात करें तो राइबोफ्लेविन जो है उसका जो है रासायनिक नाम है। विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है नियासिन है। विटामिन बी सिक्स का जो है पाइरोडॉक्सिन है। विटामिन बी सेवन का बायोटिन है। विटामिन बी नाइन का फोलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व का जो है साइनोकोबालामिन है। इसी तरह विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यह जो है आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की बात की जाए तो कैलिसेफेराल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसी प्रकार विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम टोकोफेराल है, इसको प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के की बात करें तो पिलोक्यूलोन है इसका रासायनिक नाम। तो इस तरह जो आप देख रहे हैं कि रासायनिक नाम भी जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, तो आपको विटामिन के रासायनिक नाम पे भी फोकस करना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसका सही उत्तर होगा आर्गन। आप जानते हैं कि छह जो है निष्क्रिय गैस पाए जाते हैं, आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन चार ये निष्क्रिय गैस है और दो और निष्क्रिय गैस है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ये छह जो हैं ये निष्क्रिय गैस हैं। तो वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है, यानी कि दांत जो है क्षय होने लगते हैं मतलब नष्ट होने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बने पदार्थ हैं। आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल का जो हिंदी नाम है वो पर्णहरित है या हरित लवक है। जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं वायुमंडल से और नीचे से जो है जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसके अलावा जल और ऑक्सीजन जो है मुक्त होते हैं। तो यहां प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बने पदार्थ हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस चश्मा लिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगर वहीं अगर यहां दूरदृष्टि दोष के निवारण की बात होती तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो उसकी दृष्टि दोष में क्या दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है उसको। अगर यहां प्रश्न होता कोई व्यक्ति जो है नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई का अनुभव करता है तो उसकी दृष्टि में क्या दोष है, तो इसका सही उत्तर होता अवतल लेंस, और उसका दोष जो होता वह निकट दृष्टि दोष होता। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है, इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 34 है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है, सरोजा वैद्यनाथन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा विजया लक्ष्मी पंडित जो हैं इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम
स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहां है? यह महाराष्ट्र में ही है। विश्व बैंक अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एसएससी में पूछा जाता रहा है। इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी को जो है विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एडवोकेट जनरल। आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वही जो है राज्य सरकार का जो है सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और राज्य सरकार को वह सहायता देता है। इस पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में की गई है। अगर केंद्र स्तर पर बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 76 के तहत। तो किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात की गई है यहां पे? तो इसका सही उत्तर होगा एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी राज्य के प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुरारजी देसाई। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान से जो सातवां मूल अधिकार था यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 में शामिल कर दिया गया था और मूल अधिकार का जो उसका दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया था, वह अब कानूनी अधिकार रह गया है। तो उस समय जिस समय ये 1978 में हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह मुरारजी देसाई थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा मुरारजी देसाई। 42 है, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? आप जानते हैं वन संरक्षण से संबंधित है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में जो है लोग जो होते थे वह पेड़ों पर चिपक जाते थे और जो ठेकेदार होते थे उनको पेड़ काटने से मना करते थे, उनको रोकते थे। तो चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? वन संरक्षण से। यह कहां शुरू हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके जानकारी में काफी वृद्धि हुई होगी और आप जो है आसानी से समझ पाए होंगे कि एसएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी से प्रश्न संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो या किसी अन्य विषय से, जनरल साइंस हो सकता है, उनकी प्रकृति क्या होती है। अगर आपको ये हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं कि आप किस विषय पर जो है हमसे वीडियो चाहते हैं और ऐसे विषय का चुनाव जरूर आप करें जो विषय जो है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाए। तो इस एपिसोड से अब चाहूंगा इजाजत अपने दोस्त को, इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, कुछ नए तरीके के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।